पब्लिसिटी के लिए एक आर्टिस्ट अब किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, कुछ हद तक निकल जाते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत हद से निकल गया, कौन सी हद होती है, और कोई हद बाकी है? हमारा हिंदुस्तान है, हमारा जज्बा है, हमारी संस्कृति है, हमारे विचार है, हमारे हमारे एक मर्यादा है। अगर एक 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 बंदा कह देवे इस तरह से कि भाई ये आई एम कंफर्टेबल, मैं इसके खिलाफ हूँ, आप यू में भी कंफर्टेबल, अपने बाथरूम में जाके कंफर्टेबल रहिए ना, अपने खुद के प्राइवेसी में कंफर्टेबल रहिए ना, यू में भी कंफर्टेबल विद योर बॉडी, बट जो कुछ भी किया है, अगेन उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने किया है। मैं जैसे कि मैं एक स्टूपिड, मेरे कमिटमेंट का रखे हुए हैं कमिटमेंट, मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, मैं विलन नहीं करूंगा, मैं रोमांटिक सीन्स नहीं करूंगा। अब ये किसी ने मेरे को जब कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि सर ऐसे कैसे बोल सकता, मैंने कहा बोल सकता हूँ, लेना है तो लो नहीं तो जाओ, तो यू नो इट इज़ योर, सो उनकी भी क्या प्रायोरिटी है उनको पता, मैं उस पर क्रिटिसाइज करना नहीं चाहूँगा। सर आखिरी सवाल, आपने जैसे बताया कि आप चाहते हैं कि नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप शक्तिमान में कौन हीरो होगा नहीं होगा, लेकिन सर ये तो बता सकते हैं आप कि किस तरह की क्वालिटीज देख रहे हैं आप एक्टर में जो शक्तिमान के रोल को जस्टिफाई करे, या फिर आपके जहन में कोई एक्टर हो? अगर नहीं बता सकता, मेरे जहन में कोई एक्टर हो तो मैं अभी तक स्टार्ट कर चुका था, सिर्फ क्वालिटीज पे बता दीजिए सर। क्वालिटीज तो देखो, क्वालिटीज देखिए, मैंने अपने खुद के प्रोड्यूसरों को जो मेरे साथ है उनको मैंने कहा था कि आपकी कॉम्पिटिशन स्पाइडरमैन से नहीं है, बैटमैन से नहीं है, कैप्टन प्लैनेट से नहीं है, आपकी कॉम्पिटिशन जो हमने 7 साल बनाकर एयर पर रहकर आज 25 साल से जो इमेज बनी है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम टू मेक शक्तिमान, उसमें फिट होने के लिए। शक्तिमान सिर्फ सुपर हीरो डिशुंग वाला एक्टर नहीं है जो सुपरमैन स्पाइडरमैन में, शक्तिमान सुपर स्टार सुपर हीरो के साथ सुपर टीचर भी बन गया था। बच्चे पूरे एक जनरेशन बड़ी हुई है मेरे साथ, आज भी मेरे को बच्चों के मैसेजेस आते हैं जो 30 साल के हो गए, सर यू मेड अवर चाइल्डहुड, सर आपने हमारा चाइल्डहुड बनाया है। अब वो चीज़ जो एक्टर करेगा उसके अंदर ये रहना चाहिए कि वो जब बोले तो लोग सुनेंगे उसको, वो क्वालिटी किसी एक्टर में है। बड़े बड़े एक्टर हैं, उनकी अपनी इमेज बीच में आती है, चले अड़िया ए बिड़ू अड़िया ऐसे बोलने वाले बैठे हुए, यू नो, सो उनको वो चाहिए। आजकल बहुत 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 शातिर हो गए व्यूअर्स, क्योंकि मैं चैनल चला रहा था, मुझे मालूम है अरे ये तो बीजेपी का दिखता है, रेले अरे ये तो RSS लगता है, उनकी फ्रीडम है, बोलते हैं। यहाँ पर भी कोई बोल गया अरे तू क्या सिखाता है यार, बैठ बैठ जा बैठ जा, बच्चा है तू, तो शक्तिमान नहीं बन सकता। शक्तिमान बनेगा तो शक्तिमान में पावर एक्टिंग सब कुछ, बिकॉज शक्तिमान इज सर्व शक्तिमान से नेक्स्ट नंबर पे शक्तिमान आता है, सर्व शक्तिमान इज गॉड, शक्तिमान ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके अंदर सब कुछ है। मैं कभी आप लोगों को शायद मैं अभी एक रहस्य है बता दूँ आपको, बिकॉज मैं उसमें काम कर रहा हूँ, वंदे मातरम गाना मैं जो दत्ता जी ने गाया है, जो आनंद मठ का गाना है मशहूर, मैं धृष्टता कर रहा हूँ शक्तिमान के ऊपर उसको पिक्चराइज करने के लिए, क्योंकि वो शक्तिमान गाएगा तो मैं उसमें भी अगेन वही होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि शक्तिमान अगर अपने देश का राष्ट्रगीत गा लेता है तो उस राष्ट्रगीत के अंदर वर्ड्स जो हैं सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, मैं एक गाना शूट करने जा रहा हूँ शक्तिमान के ऊपर, एक दृश्यता कर रहा हूँ मैं। बट अगेन वही होता है कि कास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेदर यू कैन डू इट और नॉट इज इम्पॉर्टेंट, यू टेक एन एक्टर हु डजंट लुक द कैरेक्टर, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ सॉरी सैड एग्जाम्पल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, द फिजिकल कास्टिंग इज अ मस्ट, आप स्टार है कि स्टार है। मैंने ये भी कहा है, मैंने कहा पिक्चर चलेगी तो कंटेंट पर चलेगी साहब, कोई सुपर स्टार नहीं चलाएगा शक्तिमान को, लेकिन पिक्चर जब 300 करोड़ की बनती है तो सोचना पड़ता है जी। थैंक यू सर, वेलकम।